इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा के अनाज मंडी में। हमारे साथ व्यापारी जुड़े हैं नीरज मंडावत जी, इनसे बात करेंगे लहसुन को लेकर जो है अभी क्या जो दाम चल रहे हैं और लहसुन जो है वो कहां कहां से आ रहा है। सबसे पहले तो नीरज जी आपका स्वागत है मार्केट टीवी टाइम्स में। नमस्कार सर। जी सर, लहसुन का जो भाव चल रहा है आज क्या भाव रहा है लहसुन का? लहसुन आज 4000 से लेकर और 12600 तक कोटा थोक फलसोजी मंडी में लहसुन बिका है जी। आगे भी अभी दाम बढ़ने की गुंजाइश है? आगे अभी अपने जो हाड़ोती का जो माल है वो अब खेतों से आना शुरू हुआ है, अभी आवक कम है, धीरे धीरे इसकी आवक बढ़ेगी और जब आवक बढ़ेगी तो अभी तो अप्रैल में तो थोड़े भाव कम रहेंगे लेकिन मई में भाव ज़्यादा होने की संभावना है। आज कितने बॉडी लहसुन आया है? आज लगभग 1000 कट्टे के लगभग आवक थी आज। कौन सी क्वालिटी का अभी जो माल आ रहा है? अभी हमारे पास इधर महादेवा है, G2 है और अपने जो देसी लहसुन है वो आ रहा है मंडी में। अच्छा, और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं माल? अभी अपने हड़ौती का माल आता है इधर, अपने बूंदी जिले का ले लो, बारा जिले का ले लो, कोटा जिला है, कुछ माल झालावाड़ साइड से भी आता है। हाईएस्ट जाम कहाँ तक जा रहे हैं लहसुन के, जो अच्छा बेस्ट क्वालिटी का जो माल मिल रहा है? बेस्ट क्वालिटी का जो लहसुन है वो 12000 और 13000 ऊपर में, 13000 रुपए तक लहसुन बिक रहा है। आगे गुंजाइश जो बता रहे हैं वो आगे मई में भाव आने के चांस है क्योंकि इस बार लहसुन का रकबा तो बड़ा था लेकिन उत्पादन कम निकलेगा, इस कारण से जो पिछले वर्ष जो भाव रहे थे 200 रुपये, 250 रुपये, 396 रुपये प्रति किलो भी यहाँ लहसुन बिका है तो ऐसे भाव आने की संभावना है। जैसा कि व्यापारी अपने निरंजन मंडावत जी ने बताया है कि रकबा तो ठीक ठाक था लेकिन जो है उपज कम हुई थी इसकी वजह से भी थोड़े से दाम प्रभावित हुए थे, लेकिन आने वाले दिनों में जब लहसुन की आवक होगी तो यही भाव जो है ऊपर जाएंगे। मार्केट टाइम्स के लिए कोटा से आसिफ खान।